माई किचन। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मटन अफगानी गोश्त। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। सबसे पहले हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे 2 सर्विंग स्पून के करीब। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। अब कुछ खड़े मसाले ऐड कर देंगे। 1/2 चम्मच साबुत ज़ीरा है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 1 इलायची, 1 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2-3 लौंग, 2-3 काली मिर्च। खड़े मसाले हल्के से क्रैकल हो चुके हैं। अब हमने 1/2 kg मटन लिया है, ये ऐड कर देंगे। और इसको 1 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमारे मटन को फ्राई होते हुए 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे भर कर। 1 चम्मच हरी मिर्च कुटी हुई ऐड करेंगे। नमक टेस्ट के हिसाब से ऐड कर देंगे और इसको 2-3 मिनट लहसुन अदरक के साथ अच्छे से भून लेंगे। मटन को लहसुन अदरक के साथ फ्राई होते हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 छोटा बाउल भरकर पानी ऐड कर देंगे। और इसमें 2 सीटी लगा लेंगे। हमें गोश्त 80% कुक चाहिए। हमारे कुकर में 2 सीटी आ चुकी थी और हमने उसी के प्रेशर में छोड़ दिया था। अब हम चेक कर लेते हैं। हमारा गोश्त 80% कुक हो चुका है। अब हम इसको 1 कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेंगे। हमने गोश्त को 1 कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसको भूनेंगे। कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच काली मिर्च कुटी हुई, 1/2 चम्मच जीरे का पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे, 1/2 बाउल ब्राउन प्याज ऐड करेंगे और इसके साथ अच्छे से भूनेंगे। मटन को भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं मसालों के साथ। अब हम इसमें फिटा हुआ दही डालेंगे 100 ग्राम और इसके साथ भूनेंगे। लगातार चलाते हुए ही मटन को भूनेंगे। दही के साथ भी हम 5 मिनट भूनेंगे। दही के साथ भूनते हुए भी मटन को 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 छोटा बाउल भरकर टमाटर प्यूरी ऐड कर देंगे और इसके साथ भी 3-4 मिनट भून लेंगे। अफगानी मटन को भूनते हुए और 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच भुना कुटा धनिया ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। हाफ बाउल छोटा पानी ऐड करेंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे और 5 मिनट इसको कवर कर पकाएंगे। हमारे मटन अफगानी को पकते हुए 5 मिनट और हो चुके हैं स्लो फ्लेम पर। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करेंगे। फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे 3 चम्मच। और
अब हम इसको डिश आउट करेंगे। हमने मटर अफगानी गोश्त को डिश आउट कर लिया है, सर्व करने के लिए रेडी है। इसको चपाती नान के साथ सर्व करें। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।